हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम लेक्चर 80 दे विच मॉक टेस्ट। तां पहला तां कंग्रेचुलेशन, 80 मॉक टेस्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कंग्रेचुलेशन क्यों कह रहे हैं कि 2000 अपने एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं। इकल्ले मॉक टेस्ट दे, इकल्ले ही मॉक टेस्ट दे 2000 एमसीक्यू, सारे डिफरेंट है, सारे सब्जेक्टां दे सारे डिफरेंट एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं 2000। तो आई थिंक कुछ जरूर 2000 एमसीक्यू दे विचों कुछ सीखने को मिलिया होना तुहानू। जिहड़े बच्चे शुरू तो जुड़े हुए है उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर नवा देखने को सीखने को मिलिया होना। तो थोनों एक और चीज़ दस देना, अनाउंस कर देना 80 मॉक टेस्ट दे विच की इन हूँ जे 80 मॉक टेस्ट की थोनों थोड़ा जा रिलीफ देवांगे कि इन की है कि हुण जिहड़ा फेसबुक ते अपना पेज बनया होया, ठीक है। हुण सोच रहे थे कि पहले मॉक टेस्ट तो लैके तो जिन्हें भी हुण इन फ्यूचर मॉक टेस्ट होणगे तो सारिया थोनू पिक्स उत्थे पा दिया करांगे कि फस्ट लैक्चर दियाँ सारे क्वेश्चन है रिटन हैंड रिटन जिहड़े कह लो नोट्स मिल जा करनगे उत्थे तुसीं जाके सेव कर सकदे हो। सब तो आसान तरीका जिहड़ा जिहड़ा नोट्स तुहानू चाहीदा अगर वो सेव कर लिया करो अपने आप। तो शुरू करदे हां आपां, आई थिंक सारिया नू पसंद आया होना कि फेसबुक पेज ते असीं अपडेट करदे काफ़ी टाइम तो लग जाए क्योंकि 80 मॉक टेस्ट है तो 80 मॉक टेस्ट के 25 हरेक के क्वेश्चन है तो काफ़ी पेजिस बन जाएंगे। तो ट्राई करांगे सून एज पॉसिबल कि उन्होंने अपडेट कर दिए, पर हौली हौली करके हम अपडेट करते रहेंगे। तो लिंक कर दिया करांगे ग्रुप दे विच सेंड, तो जाके देख लिया करो, चैकआउट कर लिया करो। जिहड़ी कोई भी पिक चाहिए हुई या कोई भी क्वेश्चन चाहिए होया तो उत्थों सेव कर लियो, जे आंसर चाहिए तो मॉक टेस्ट देख लियो। चलो आप शुरू करते हैं। हम फस्ट कमेंट अपने को जसविंदर जी का, नैक्सट कमेंट है राजविंदर कौर जी का, तो उस तो बाद जशन जी का। तो बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा फीडबैक देने, फीडबैक हर एक बच्चा दिया करो ता जो सानू मोटिवेशन मिलती है, कुछ ना कुछ नवा देखने को मिलता है, सानू भी शायद कुछ ना कुछ नवा सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुसी फीडबैक दिने जिहड़ा। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, 25 तो 30 मिनट दे दिया करो मॉक टेस्ट नू, तो थोड़े जिहड़ा कह लो पढ़ाई सफल है। चलो चलते हैं अपन। फस्ट है भारतीय संविधान विश्व का सब तो वड्डा लिखती संविधान है, ये किस दे विचार सी या किस दे अनुसार किन्ने क्या सीगा? जेनिंग्स ने, समिथ ने, मैकमिलन ने, रिपीयर ने, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा। भारतीय संविधान विश्व का सब तो वड्डा लिखती संविधान है किस दे अनुसार? जेनिंग्स, समिथ, मैकमिलन, रिपीयर, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा। इहदा तां हैंड रिटन नोट्स जिहड़े बच्चे नूं चाहीदे है तां फेसबुक पेज लाइक कर सकदा अपना टाइम टू टाइम, नवियां तो नवियां। ये नहीं कि उत्थे फेसबुक पेज बना के छड्डिया होया कुछ अपडेट नहीं करदे, सून एज पॉसीबल जिन्ना हो सकता मटीरियल प्रोवाइड करीदा उत्थे भी, तो जाके जिहड़ा बच्चा देखना चाहता तो देख सकता। वीडियोज़ होंदियां, वीडियोज़ नाल दी नाल अपडेट कर दई दियां, कोई मान लो करंट अफेयर हुंदी है जां वकैब हुंदी है वह भी अपडेट कर दई दी है। हुण तो हैंड रिटन नोट्स भी अपडेट हो जाया करनगे, अज तो बस ये कह लो कि 2000 क्वेश्चन होने की खुशी दे विच कल्ले मॉक टेस्ट दी तां ही अपडेट करते रहेंगे। अज सुबह भी 6-7 बजे शायद अपडेट किए हुए उन्हें, तो जिहड़ा पंजाबी दी क्लास लगी सी 550 तो 570 नंबर के क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, जाके चैकआउट कर लियो। तो आप आंसर वाल चलते हैं। फस्ट का अपने को आंसर आएगा ए, जेनिंग्स, वेरी गुड, जिहड़े बच्चों का राइट है। नैक्सट चलते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अधिकारों को संविधान का दिल किया है? समानता, मौलिक, धार्मिक, नैतिक। डॉक्टर अंबेडकर अनुसार किहड़े अधिकार है जिन्हां नू संविधान का दिल कहा गया है, ठीक है? उन्होंने समानता के अधिकार, मौलिक अधिकारों, धार्मिक अधिकारों, नैतिक अधिकारों, ए बी सी डी। देखो किन्ने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे है, तो सारे जिन्ने भी अपने हुण तक हो चुके हैं तो सारिया के ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हुए। आप बच्चों पता है, मेरी कहते ना जायो, प्रैक्टिकली करके देखा करो। मैं हमेशा कहना कि जो मैं कहना उन्होंने प्रैक्टिकली यूज़ करो, फिर तुम मेरी गल मन्या करो। तो देख लियो कि 2000 क्वेश्चन है जिहड़े अपने तक किन्ने ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे तुहाडे लई। ये नहीं कि हम 2000 क्वेश्चन कर ले बंद कर देंगे, चलता ही रहना ये काम, बस थोड़ी तैयारी होंदी रहनी है। रिवीजन क्लासा भी कह लो इन्हें ही ऐड कर लेंगे आप, कि रिवीजन भी नाल थोड़ी इन्हें ही करा देंगे, एक बार तुम नवा जरूर सीखो कुछ ना कुछ। तो सैकेंड आंसर वाल चलते हैं, वह होगा बी, मौलिक अधिकारों, बी आंसर आएगा मौलिक अधिकारों। नैक्सट चलते हैं, 42वीं सोध कदों की गई सी? 1957, 1963, 1976, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा। थोड़ा मैं एक होर चीज़ दस दिना मॉक टेस्ट के कल वाले तो एक सर तो थोड़ी जी कह लो मिसटेक हो गई थी उदों सम दे विच, उनका आंसर दसिया होया सीगा 1/13, 1/4 आना सीगा। तो उन जरूर नोट कर लियो लास्ट मॉक टेस्ट के जिहड़ा सम सीगा प्रोबेबिलिटी वाला, ध्यान रखियो पत्तियां वाला, ठीक है? तो चलो दसो की आंसर आएगा। वो देखो 80 मॉक टेस्ट है तो
मनते हैं कि मिसटेक वगैरह होंगे, पर 80 मॉक टेस्ट के जी संभावना रही है मिसटेक्स की, सम्स की, जो भी रही है कि क्वेश्चन वगैरह रोंग होंगे अदरवाइज नहीं, तो मन के चलो 80 मॉक टेस्ट के मान लो 2000 प्लस अपने क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो 2000 क्वेश्चन के मैक्सीमम 2 or 3 मिसटेक्स हो गई। मिसटेक्स मीनस कि क्वेश्चन के कोई थोड़ी बहुत मिसटेक होगी, वो भी क्लैरिटी थोड़ा देती सी नैक्सट, या कई बार वीडियो बना के देती सी स्पैशल कि यह मिसटेक हुई सी, इन्हें ध्यान रखियो। पर जे 2000 मगर तुसी 3 क्वेश्चन जे रोंग दी प्रोबेबिलिटी हैगी, असं मान रहे हैं कि 3 क्वेश्चन मान लो हो या 2000 मगर रोंग, तो कोई वड्डी गल नहीं, ठीक है, वो भी थोड़ा क्लैरिटी देती सी कि क्यों रीजन की सीगा। चलो आप आंसर वाल चलते हैं, थर्ड का अपने को आंसर आएगा 9, ठीक है, ईडी आएगा 1976, वेरी गुड डी आंसर आएगा जिहड़े बच्चों ने दिता। नैक्सट चलते हैं 42वीं सोध द्वारा प्रस्तावना में नवे शब्द से जोड़े वो किन्ने शामिल किए गए, 1, 2, 3, 4, दसो की आंसर आएगा। 42वीं सोध द्वारा प्रस्तावना में किन्ने शब्द शामिल किए गए सी, 1, 2, 3, 4, ये थोनों मैं पहला एक एक वर्ड कराया होया, पर हुण दसो कि किन्ने किए गए सी, एक एक वर्ड मैं स्टार्टिंग दे विच कराया सी कि किहड़े किहड़े वर्ड सीगे। वेरी गुड, सारे बच्चे आंसर कराया करो, जिन्ने भी हैगे हो जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करो, ता जो थोनों अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी परफॉर्मेंस, अपने सब्जैक्ट का पता लग सके किन्ना कि थोड़ा स्ट्रोंग होया हो। तो चलो आप आंसर वाले चलते हैं, आई थिंक आंसर करता होना सारे बच्चों ने, जो नहीं किया तो चलो 4-5 सैकेंड होर ले लो फिर आंसर कर दियो। तो अपना राइट आंसर की आऊगा फोर्थ का, वो आऊगा अपने को ले सी, 3, 3 नवे शब्दों ऐड किया गया सी। नैक्सट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है जेडे उनकी विशेषता की है, न्याय योग है, असीमित नहीं है, भारती तो विदेशी नागरिकों विचकार अंतर पै दसद, तो सारे ही ABCD, दसो की आंसर आएगा इनका। थोड़ा मैं पहला क्या 25 क्वेश्चन अपने हैगे मन को, ठीक है, 20 क्वेश्चन होने अपने कि जेडे अपने आप के टफ महसूस होने, भला दी हो ना हो पर अपने आप के टफ होने, पर 5 क्वेश्चन योजे हो जेडे थोड़ा लगन गए सिंपल भी है, तो उन्होंने 2 योजे हो गए कि जेडे बिल्कुल सिंपल हो गए, तो 2 लैके आई दे जो थोड़ा जोड़ा माइंड से तुम ज़्यादा लोड लै लें कि इन्ने ज़्यादा औखे क्वेश्चन है, तो 2 करके थोड़ा थोड़ा जहा रिलीफ मिले, स्ट्रैस रिलीफ हो कि हाँ हुण सानू वधिया तैयारी हो रही है, तो सानू सब्जेक्ट दे विच आंदा कुछ ना कुछ। तो आंसर वाल चलते हैं, 5वें का अपने को आएगा डी, सारे ही, 5th का आंसर आएगा डी, सारे ही, वेरी गुड। नैक्सट चलते हैं, लो शाब्दिक अर्थां नाल संबंधित शाखा नू की कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लियो भी पंजाबी दे, सिमेंटिक्स, प्रैगमैटिक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ABCD, दसो की आएगा आंसर इनका। शाब्दिक अर्थां नाल संबंधित शाखा नू की कहिंदा, ए टॉपिक मैं थोनू डिटेल दे विच पंजाबी लैक्चर दे विच कराया होया, तो जाके देख सकते हो तुसी, जे किसी नू फिर भी डाउट लगे तो पूछ लियो, पर पूरा टॉपिक ये कराया होया शाब्दिक अर्थां वाला, तो एक होर नाल हैगा वो अगे क्वेश्चन हैगा उतों दसदे हैं, दसो की आएगा ABCD। थोड़ा जहा मैं पहला भी कहा सी, थोड़ा जहा जिहड़ा गला खराब है तो ध्यान रखो कि वर्ड जो उपर नीचे होंगे तो समझ लियो। चलो आप आंसर वाल चलते हैं, 6 का अपने को आंसर आएगा ए, सीमेंटिक्स, ठीक है। नैक्सट भी इसे नाल दा रलदा मिलदा क्वेश्चन, प्रासंगिक अर्थां नाल संबंधित शाखा नूं की कहिंदा है, सीमेंटिक्स, सिनोनियम्स, प्रैगमैटिक्स, प्रिगमैटिक, दसो की आंसर आएगा, ABCD। थोड़ा जहा बच्चे कन्फ्यूज़ होणगे, इस दे विच मैं कोशिश की है कि ऑप्शन वो जी पावे थोड़ा कन्फ्यूज़ करा, क्योंकि मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि फस्ट तो यह प्रायोरिटी रही है कि पहला बच्चों की हैल्प होवे, सारे मटीरियल प्रोवाइड होवे, वधिया तो वधिया कोई क्वालिटी वाला कॉन्टेंट मिले, ठीक है, ये नहीं सोचा कि कल चैनल पर व्यूज़ है या कुछ भी है, नहीं जे चीज़ा सोचते व्यूज़ वगैरह तो फिर असी भी हौसला हार के बैठ जाते कि कई वीडियोज़ से तो बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आते, तो असी क्यों कम कराइए, नहीं ये कम कदे नहीं किया, असी वध तो वध होर मटीरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की है कि कोई गल नहीं, चल जिन्ने बच्चे देख रहे उन्हों का भला जरूर होवे। तो सैकेंड प्रायोरिटी की रही है, मैं टेस्ट किवें करता हूं कि थोड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाए तो जो एग्जाम के कन्फ्यूज़ ना होवो। तो 7th का अपने को आंसर है सी, प्रैगमैटिक्स, वेरी गुड। नैक्सट चलते हैं 8th वाल, पंजाबी विचले विश्राम चिन्हों मुख्य रूप में किन्ने भागों में वंडिया गया, 2, 3, 4, 5, ABCD, दसो की आंसर आएगा। विश्राम चिन्ह वाला आप कह लो कल वाले मॉक टेस्ट भी क्लीयर कर लेंगे टॉपिक, अज भी 2-3 के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होने कि वाकई थोड़े लिए लगन गए कि अब क्वेश्चन किए हैं, साडा जिहड़ा कंसैप्ट है थोड़ा जिहा तो क्लीयर होया। पंजाबी विचले विश्राम चिन्हों मुख्य रूप में किन्ने भागों में वंडिया गया है, 2, 3, 4, 5, ABCD, दसो की आंसर आएगा इनका। 8th का, वेरी गुड वेरी गुड।
सारे बच्चे आंसर कर दिया करो की आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। ध्यान रखिया करो निक्किया निक्किया चीज़ां भी, कई बार मैं बोल के दस दिना हुंदा उन्होंने एम सी क्यू आपां लेटर बना लईदे आ, पर फिर भी उन्होंने भी नाल नोट कर लिया करो। कई बार जे थोड़ा कोई वैल्यूएबल गल लगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं या कोई नवी चीज़ सीखने को मिली है, तो एट्थ का अपने को आंसर आएगा ए, दो। ठीक है, दो आंसर आएगा अपने को। नैक्सट चलते हैं, विश्राम चिन्ह का पहला भाग किसनों अंकित करता है? दो भागों में वंडिया गया, तो पहला भाग वो किसनों अंकित करता है? पंजाबी शुद्ध लिखना, पंजाबी उच्चारण के गुणों को, दोवें या कोई भी नहीं। इन काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे जिन्होंने कंसैप्ट नहीं पढ़िया होएगा, क्योंकि अपने विच याद है ना सारियां नूं कि विश्राम चिन्ह वाला भी अपने कोल कंसैप्ट है। ध्यान च रखिया करो, मैनू पूरा ध्यान च है कि कि चीज़ा करानी है, किवें उन्होंने मोल्ड करके दसना है। दसो की आंसर आएगा हुण विश्राम चिन्ह का जो पहला भाग, दो भाग तो तुम दसते, तो पहला भाग सैकेंड भाग आप कल करांगे, तो पहला भाग हुण दस दो कि किसनों अंकित करता है? पंजाबी शुद्ध लिखना, पंजाबी उच्चारण के गुणों, दोवें या कोई भी नहीं। तो अपना राइट आंसर आएगा सी, जिहड़े दे रहे हो तो रोंग है, आंसर बी राइट है, पंजाबी उच्चारण के गुणों। थोनों मैं पहला कहा जिहड़े सी वाले वो कन्फ्यूज़ होणगे पंजाबी उच्चारण के गुणों, तो इहदा अगों फिर क्लीयर कर लैंदे आ। जिहड़े पंजाबी उच्चारण के गुणों अंकित करन वाले विश्राम चिन्ह की चोण करो, किहड़े किहड़े विश्राम चिन्ह जिहड़े पंजाबी उच्चारण के गुणों अंकित करदे आ? खड़ी डंडी, प्रश्निक चिन्ह ते विस्मिक चिन्ह, कौमा ते बिंदी कौमा, या सारे ही ए बी सी डी। ध्यान रखो ध्यान किहड़े किहड़े हैगे आ पंजाबी उच्चारण के गुणों अंकित करने वाले विश्राम चिन्ह की चोण करनी है। इन्हों खड़ी डंडी है, प्रश्निक चिन्ह है या विस्मिक चिन्ह है, कौमा बिंदी है, तो दसो की आएगा? सारी है, ए बी सी डी। वैरी गुड वैरी गुड, दसो की आंसर आएगा इनका? बस ऐ ही आंसर करते रहो। तो देख लो तुम जे वैसे कह देंगे कि थोड़ा 2000 क्वेश्चन दे दें, तो तुम वैसे मैं लगता कन्फ्यूज़ हो जाना सी कि ये किवें करांगे किवें नहीं करांगे, वाधू कुछ माइंड च आना सी तुहाडे। पर हुण की है कि हुण तुहानू पता भी नहीं लग्या ते तुसी 2000 क्वेश्चन कर भी लए, देख लो 2000 क्वेश्चन कर भी लए अज। तो चलो 10th दे आंसर वाल चलते हैं, अपने कोल आंसर आएगा डी, सारे ही, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, ऑल ऑफ दीस। नैक्सट चलते हैं, भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2, ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा? भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2, ए बी सी डी। दसो की आएगा इनका? हिंदी भी नाल नाल आप क्लीयर कर रहे हैं, हुण किसी का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। भाव सूचक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 3, 2, तो अपना राइट आंसर आएगा इनका? वेरी गुड, बी 5। बी आंसर आएगा इनका 5। 12वें वाल चलते हैं, आप इनमें से संज्ञा कौन सा नहीं है? दाल रोटी भात खाना, ए बी सी डी। इनमें से संज्ञा कोई नहीं है जेड़ा, दाल रोटी भात खाना, ए बी सी डी। दसो की आएगा इनका? वेरी गुड वेरी गुड, दसो की आंसर आएगा इनका? इनमें से संज्ञा कौन सा नहीं है? दाल रोटी भात खाना, ए बी सी डी। वेरी गुड वेरी गुड, चलो सारे बच्चे आंसर करते रहो अं, तो देखते हैं किड़े बच्चे किन्ने आंसर कर रहे हैं किन्ने सही कर रहे हैं। जरूर फीडबैक देके जाया करो कि सर नवा कुछ सीखने मिलिया या नहीं मिलिया, या जिहड़ा हुण तुहानूं दस्सिया कि फेसबुक पेज ते तुहानूं हैंड रिटन नोट्स मिल जाया करनगे, ग्रुप दे विच तां नहीं कीते सैंड कि फिर तुसीं सेव आटोमैटिक सेव हो जांदे फोन दे विच, फिर तुसीं लब्भन दे विच मुश्किल होगी। पर जे फेसबुक ते जिहड़े होणगे ओह तुसीं अपनी मर्जी नाल सेव करने आ, ओह तुसीं देख लिया करे चूज़ करके किहड़े किहड़े करने आ, इही रीज़न है। तो चलो आंसर वाल चलते हैं, 12वें दा आएगा डी खाना। ठीक है, 12वें का डी आंसर आएगा खाना। चलो नेक्स्ट चलते हैं, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम तत्भव देशज सकर, ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा ना? विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए बी सी डी। वेरी गुड वेरी गुड, दसो की आंसर आएगा ना? विभावरी। तो क्लासेस कोई मिस ना करया करो, असी भी अपने लो पूरा हार्डवर्क कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं कि थोनों पूरा वैल्यूएबल क्वालिटी क्वांटिटी मटीरियल सारा प्रोवाइड किया जाए, किसी गलों कमी ना रहे। बस थोड़ा काम सिर्फ एक हुंदा, मैं थोनों हमेशा ही कहा देखना, देख के तो उन्हों दिमाग च बिठा लिया करो, बस इन्ना ही काम करना। 13वें का अपने को आंसर आएगा ए तत्सम। की आंसर आएगा? तत्सम। वेरी गुड, नेक्स्ट चलते हैं 14 वाले, दर्शन का तत्भव शब्द, दर्शन दर्शन दर्श दर्शन, ए बी सी डी। दसो की आंसर आएगा इनका?
इहदा तत्भव शब्द तां अज तुहानूं इक चीज़ दस दिंदा, थोड़ी जी चेंजेस होई है मुक टैस्ट दे विच, नैक्सट दे विच उवें रहूगा। 15 जिहड़ा क्वेश्चन है जिहड़ा अपना पाउंदे होंदे आपां दुनिया तों अलग, तां उह नहीं पाया, उहदी जगह ते हैगा हिंदी दा क्वेश्चन, क्योंकि वह कंसैप्ट दे नाल रिलेट करदा सी, तां करके फिर हिंदी दा क्वेश्चन लियाना पिया कि चलो बच्चों नूं कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो दस देंगे, क्लीयर कर देंगे। यही रीज़न है कि अज्जो मिस करता सी 15वां क्वेश्चन, तो जरूर दस्यो 15वें क्वेश्चन मिस किया है तुसी कि नहीं। तो चलो आपां आंसर वाल चलते हैं। 14 दा अपने कोल आंसर आएगा बी, दर्शन। वेरी गुड, चलो नैक्सट चलते हैं 15 वाल। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है, चित्रलिपि, अक्षरिक लिपि, वर्णिक लिपि, कुटिल लिपि, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा ना। लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है, किनू मन्या जाता है? वेरी गुड, वेरी गुड। ताई मैं सोचा सी कि चलो आज 15वां क्वेश्चन स्किप करके नैक्सट डे कर लेंगे। दसो की आंसर आएगा 15 दा, ए बी सी डी। वेरी गुड, दसो की आंसर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? लिपि विकास की प्रथम सीढ़ी है, चित्रलिपि, अक्षरिक लिपि, वर्णिक लिपि या कुटी लिपि, ए बी सी डी। वेरी गुड, जेडे बच्चे आंसर कर रहे हैं तो अपना राइट आंसर आएगा 15 दा, वो आएगा ए, चित्रलिपि। की आएगा? चित्रलिपि। चलो नैक्सट चलते हैं। लो अपना वही एलीमेंट सिंबल आ गया अपने को, टेल्यूरियम का, टी टी ई टी यू टी एम ए बी सी डी। नैक्सट इनका एटोमिक नंबर ही है, तो वह जरूर दस्यो केड़ा केड़ा है। टेल्यूरियम का एलीमेंट सिंबल ए बी सी डी, दसो की आएगा इनका? वेरी गुड, वेरी गुड। टेल्यूरियम का एलीमेंट सिंबल ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? दसो की आएगा? सारे बच्चे जरूर आंसर कर दिया करो, कोई गल नहीं, जो गलत भी होंगे तो कोई इशू नहीं, गलत हो जूगा तो फिर की हो जूगा, दोबारा तुम अगले बार करोगे तो थोड़े गलत वाली चीज़ तो बाली जल्दी दिमाग के बैठती होंगी है कि हाँ ये मेरा गलत होया सी, ठीक है। सही वाले तो तुम्हें याद ही रहने, जो तुम आंसर करोगे गलत करोगे तो होर भी ज़्यादा दिमाग च बैठ जूगी, ये मेरा गलत होया सी, हुण मैं गलत नहीं करूँगा या करूँगी। तो हम राइट आंसर वाल चलते हैं। 16 का अपने को राइट आंसर आएगा बी, टी ई। तो इन एटोमिक नंबर जेडे बच्चे दस रहे हैं, वेरी गुड, एटोमिक नंबर अपना इन्हें को 52, ठीक है, 52 एटोमिक नंबर है। नैक्सट चलते हैं 17 वाल, ह्यूमन राइट डे, 5 दिसंबर, 7 दिसंबर, 10 दिसंबर या 12 दिसंबर, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा इनका? नाल नाल देख लो, एक भी मॉक टेस्ट नहीं होना, या मान के चलो अप्रोक्सीमेटली मैं दस रहा कि सारी 80 ते 80 मॉक टेस्ट दे विच आपां डेज किते है, ठीक है। तो मान के चलो अपने 80 डेज हुण कवर हो चुके हैं कि कहड़े डे की हुंदा, कहड़े डे की हुंदा, कोई भी रिपीटेड नहीं होया, ये भी तुहानूं दस देना, हरेक डे है जिहड़ा वो डिफरेंट है। यही ध्यान साडा खास रखा जाता कि क्वेश्चन बहुत रेयर जिहड़े रिपीट होन, जे रिपीट होणगे तो मोल्ड किते होणगे कि तुहानूं थोड़ा जिहा कन्फ्यूज़ किया होगा उहनां च होर ज़्यादा। तो 17 दे आंसर वाल चलते हैं, वो आएगा अपने कोल सी, 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। नैक्सट चलते हैं, ब्लड का पी एच मान 6.8, 7.4, 6, ए बी सी डी, दसो की आंसर आएगा इनका? ब्लड का पी एच मान ए बी सी डी। थोनों मैं क्या सी, एक दो क्वेश्चन जरूर मैं हिंदी में लिया करूँ साइंस दे, पर वैल्यूएबल होंगे नहीं कि फालतू होंगे, कुछ ना कुछ जरूर नवा ही देखने मिलेगा थोनों। ये हजे कह लो थोड़ा जहा हिंदी वाले वालों कह लो कि थोड़े जे कट लेवल दे आ, तो जदों इन फ्यूचर मॉक टेस्ट थोड़ा जहा होर अगे वध गए तो होर हार्ड लेवल दे हो जाएंगे साइंस दे। बाकी सिलेबस मैम कवर करा रही है, वह भी मैं लगता 2-3 चैप्टर रह गए, तो एक चैप्टर रह गया मैथ का, तो देख लो साइंस तो थोड़ी मैथ तो हो गया डन, हुण थोड़े ते है कि तुसी किवें तैयारी करनी है। तो 18 दा अपने कोल आंसर आएगा, वेरी गुड, सी, 7.4, 7.4। नैक्सट चलते हैं, ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, प्लाज्मा, आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, प्लेटलेट्स, ए बी सी डी, दसो की आएगा? ब्लड का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है, इन्हें चारों चो की आएगा? ए बी सी डी। वेरी गुड, वेरी गुड। बस इस दू बाद अपना की है, थोड़ा इंग्लिश ते मैथ, दसो की आएगा ना? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सारे बच्चे आंसर करी चलिया करो, तो जरूर दस के जाया करो किवें लग्या मॉक टेस्ट, या कुछ नवा सीखने मिलिया या नहीं, की चीज़ा तुम मतलब कह लियो
ग्रहण कीतियां जिन्हों आप प्योर हिंदी दे विच कह लिए कि केड़ियां केड़ियां चीज़ां तुसी ग्रहण कीतियां दसो की आएगा आंसर इन्हां तां अपना राइट आंसर आएगा ए प्लाज्मा ठीक है राइट आंसर आएगा ए अपने को प्लाज्मा नैक्सट चलते हैं 20th वाल लो फाइंड द ओपोजिट मीनिंग वेनीरेशन फीयर रिवेरेंस रिमोर्स डिसरिस्पेक्ट ए बी सी डी दसो की आंसर आएगा फाइंड द ओपोजिट मीनिंग दसो की आएगा वेनरेशन का ए बी सी डी वेरी गुड जिहड़े बच्चे दस रहे आंसर बहुत वधिया बहुत इंटैलीजेंट हो तुसीं मैं थोनू एक चीज़ जरूर नोट की है थोड़े कि सारे बच्चे जिन्हें भी अपने नाल जुड़े हुए है मोस्ट इंटैलीजेंट बच्चे है हर एक सबजैक्ट दे विच बहुत वधिया कर रहे हैं बहुत वधिया रिस्पोंस भी दे रहे हैं पर कई बार की है कि कह लो किसी के पिछे लग के सोच बैठते हैं कि लेट होगा पेपर या नहीं होगा तो यह चीज़ों इग्नोर करो जे पढ़ना तो जे तुसीं इह चीज़ां नूं अपने दिमाग च बिठाई गए एक महीना बिठा लोंगे दो महीने बिठा लोंगे तीजे महीने पेपर हो जाना फिर ये थोड़ा ऑटोमैटिक ही निकल जानी है फिर तो मजबूरी हो जानी है कढ़नी है चलो आंसर वाल चलते हैं 20th का अपने को आंसर आएगा डी डिसरिस्पैक्ट डिसरिस्पैक्ट वेरी गुड 21st वाल चलते हैं आप अमेरिका डैश द वर्ल्ड अफेयर्स टूडे दसों का की आएगा डिसाइड इज डिसाइडिंग डिसाइड्स डिसाइडड ए बी सी डी अमेरिका डैश द वर्ल्ड अफेयर्स टूडे ए बी सी डी दसो की आंसर आएगा 21st का अपने को वेरी गुड सारे बच्चे आंसर कराया करो जिन्हें भी जने बैठे होंगे हो बाद दे विच देख रहे होंगे हो वीडियो पॉज़ करके कमेंट बॉक्स दे विच आंसर कराया करो इन्ना टाइम तो थोड़ा मिल ही जाता कि तुसी कमेंट बॉक्स दे विच आंसर कर दो जल्दी जल्दी कोई इशू नहीं ना थोड़ा कोई रोकया जाऊ भला 100 मैसेज कर लो 100 कमेंट कर लो पर करो क्वेश्चन दे रिलेट कि हाँ सर मतलब असी आंसर कर रहे हैं पर पॉइंट पा दिया करो कि 21st का ये वाला आंसर आएगा 22nd का ये वाला आएगा जे वो बच्चों की गल कर रहे हैं जिहड़े ऑफलाइन देखते हैं जिहड़े बच्चे प्रीमियर देख रहे हो नाल कर रहे हैं उन्होंने तो वैसे बेनीफिट हो रहा तो चलो 21st का अपने को आंसर आएगा सी डिसाइड्स की आंसर आएगा डिसाइड्स वेरी गुड नैक्सट चलते हैं बिल्कुल सिंपल टेंशन लैन की कोई लोड़ नहीं इन्ना सिंपल पा के तो फिर बाद चो काफ़ी कन्फ्यूज़ होने वाले हो डैश रामायण इज़ अ होली बुक्स ऑफ द हिंदूज दसो की आएगा इनका ए एन दी एनी ए बी सी डी दसो की आंसर आएगा 22nd का मैनू नहीं लगता कि किसी भी बच्चे का ये वाला क्वेश्चन है जोड़ा गलत होने वाला है 101% सही होने वाला है जोड़े सोच भी रहे उन्होंने दिमाग च भी सही होने वाला है जेडे राइट नहीं आंसर नहीं कर रहे राइट नहीं कर रहे तो उन्होंने दिमाग च भी यह क्वेश्चन सही होने वाला है किसी भी बच्चे का गलत नहीं होने वाला सिंपल तो सिंपल क्वेश्चन भी आप करांगे तो औखे तो औखा भी करांगे तो चलो आप राइट आंसर वाल चलते हैं इन्ना टाइम तो लगता ही नहीं सी मैं लगता इस क्वेश्चन आंसर करते तो 22nd का अपने को आंसर आएगा बी द रामायण इज़ अ होली बुक्स ऑफ द हिंदूज नैक्सट के दा ओ मान जिस दे लई समीकरणा के एक्स प्लस 2y = 5 अते 3x + y = 1 दा एक हल है के इक्वल टू की है 6 के इक्वल टू -6 के नॉट इक्वल टू 6 के इक्वल टू 0 ए बी सी डी दसो की आंसर आएगा के दा ओ मान चलो सोल्व करना से टाइम ले लो थोनू मैं पहला कहा कि 25-30 मिनट सफिशेंट होंगे है थोड़े मॉक टेस्ट के लिए तो इन्ना टाइम आई थिंक थोड़ा पता भी नहीं लगता कि किमें लंघ गया तो थोड़े तैयारी भी होगी तो देख लो जो बच्चे फस्ट तो ला रहे उन्होंने 2000 MCQ भी हो गए कंग्रेचुलेशन जोड़े बच्चों ने चंगे तरह कर ले तो हूँ हैंड रिटर्ड जिन्हें भी बच्चे बैठे है हैंड रिटर्ड जो हम तुम अभी देख रहे हो हैंड रिटर्ड नोट्स आए ये थोड़ा फेसबुक पर मिल जाए करेंगे पेज पर ग्रुप ज्वाइन कर लो पेज जिमें थोड़ा ठीक लगे तो वो थोड़ा फेसबुक पेज पर मिल जाए करेंगे तो उनके की है कि थोड़ा आसानी हो जाएगी कि चीज़ चाहिए वो तुम अपने आप सेव कर लिया करोगे जी नहीं चाहिए वो तुम नहीं पर प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो एक शेयर की ऑप्शन भी आती है उत्थे उन्हें ओके करो दो बारी शेयर हो जाएगा थोड़े सारे फ्रेंड्स नाल हैंड रिटन नोट्स कि उन्होंने भी शायद सेव कर लैनो क्योंकि अपन देखो ये भी नहीं तुम कह सकते कि व्यूज़ वगैरह पिछे कर रहे हैं आप हैंड रिटन नोट्स फोटो दे देंगे वो तुम शेयर करके अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो सिर्फ थोड़ी हैल्प लई चलो आप आंसर वाल चलते हैं 23rd का अपने को आंसर आएगा वेरी गुड 23rd का अपने को आएगा सी के नॉट इक्वल टू 6 नैक्सट चलते हैं लो ए पी 11852 -- का 21वां पद पता करो 59 -49 -69 24th दसो की आंसर आएगा इनका
21st ਦਾ ਸੀ ਸੀ, 22nd ਦਾ ਬੀ ਸੀ, 23rd ਦਾ ਸੀ ਸੀ, 24th ਦਾ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ। 24th ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫੇਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਪਿਆ ਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੋਲੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 24th ਦਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਬੀ, -49, ਠੀਕ ਹੈ, -49। ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਰੀਟਡ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਜ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਿਊਨ ਕੋਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, 5/4, 5/6, 3/4, 2/ ABCD, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਨਿਊਨ ਕੋਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਏ ਹੈ, ਬੀ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੀ ਹੈ? ਲੱਭ ਲਓ, ਨਿਊਨ ਕੋਨ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਏ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਏਗਾ, ਸੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਆਏਗਾ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਭਲਾ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 25th ਦਾ? ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਊਨ ਕੋਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੋਕ ਟੈਸਟ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੇਲੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਥਰੂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, 2000 ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਮੋਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।